मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो अपना घर बार छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके परदेश कमाने के लिए जाते हैं, और परदेश में जाने के बाद उनका काम लगता है और कभी ऐसा होता है कि नहीं भी लगता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो करके घर वापस आ जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा देने के लिए जा रहा हूँ, अगर आपने इसको अपने अमल में ले लिया, अगर आपने इस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला जिस जगह भी आप अपना काम शुरू करेंगे तो उसमें यूँ समझो अल्लाह के फजल करम से आपको कामयाबी मिलना ही मिलना है। अब आइए, वो अमल क्या होगा, करना क्या होगा, जिसकी वजह से आप अपने गांव में रहें या प्रदेश में जाएं, जिस काम को भी शुरू करेंगे, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे, अगर वो जायज़ काम है तो आपका समझो आपको उस काम में ज़रूर कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो आइए, करना क्या है कि एक अमल है। सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँगा कि चाहे कोई वजीफ़ा हो या कुछ भी हो, वो तभी अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है जब आप पांचों वक्त की नमाज़ें पढ़ेंगे। अगर आपने पांचों वक्त की नमाज़ों को छोड़ दिया, और चाहे वो कितना भी वजीफ़ा कर ले, तो उसे कामयाबी नहीं मिल सकती। इस बात को याद रखना है। तो सबसे पहले आपको नमाज़ पढ़ना पाँचों वक्त की, और नमाज़ पढ़ने के बाद सिर्फ 21 मरतबा समझे 21 मरतबा ये वजीफ़ा करना है, और उससे पहले 3 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर उसके बाद में ये पढ़ना है अल्लाहुम्मा जअलना मुफ्लिहीन, अल्लाहुम्मा जअलना मुफ्लिहीन, फिर बाद में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। हर नमाज के बाद में ये आप कीजिएगा, इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर आपको इसके आसार नज़र आने लगेंगे।